collapse of Silicon Valley Bank, the second biggest bank collapse in US history. Silicon Valley Bank, इस बैंक के पास कुछ हफ्ते पहले 209 बिलियन डॉलर की एसेट्स थी और 175 बिलियन डॉलर के डिपॉजिट्स। ये बैंक ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ काम करती थी, तो ज्यादातर डिपॉजिट्स भी स्टार्टअप्स के थे। 2020 और 2021 जब पूरी दुनिया में कोविड था, तो US गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर दिए थे, जिससे स्टार्टअप्स को आसानी से फंडिंग मिल रही थी और जिस कारण SVB में काफी ज्यादा कैश डिपॉजिट्स हुए। इन्होंने अपने डिपॉजिट्स को आने वाले 10 सालों के लिए बॉन्ड्स में 1.7% के इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट किया। आपको बता दें कि बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगी। तो जब US फेड ने पिछले 10 महीनों में इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 4.75% किया, तब SVB की बॉन्ड्स की वैल्यू भी नीचे गिरने लगी। उसी समय स्टार्टअप्स की फंडिंग में भी कमी आई और जब स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत हुई, उन्होंने अपने SVB के डिपॉजिट्स में से पैसे निकालने शुरू किए। फिर SVB को पैसे की कमी होने लगी, तो बैंक ने अपने 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स 1.8 बिलियन डॉलर के लॉस में बेच दिए और इन्होंने 1.25 बिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट से भी उठाने की कोशिश की, पर इन पर भरोसा नहीं होने के कारण ये ऐसा नहीं कर पाए। इन दो इंसिडेंट्स के बाद बाकी स्टार्टअप्स ने भी पैसे निकालने शुरू किए, जिसके बाद एक दिन में इनकी वैल्यूएशन 60% गिरी और 80 बिलियन डॉलर मार्केट से गायब हो गया। हालांकि अभी बैंक पूरी तरह से बंद है और इसकी जाँच FDIC कर रही है।